हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने फोन में कॉल फॉरवर्डिंग चेक करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम अपने फोन में कॉल फॉरवर्डिंग का कैसे पता कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। तो यहाँ पर अब हम अपने फ़ोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके फ़ोन में कोई कॉल फॉरवर्डिंग लगा दिया हो और आपको पता भी ना हो, तो इसे बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में ये डायलर ओपन करना है। ओपन करने के बाद इधर हम ये कीपैड खोलेंगे और यहाँ पे मैं आपको जिस तरह से कोड डायल करके दिखाऊंगा उसी तरह से आपको भी अपने फ़ोन में डायल करना है। और मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि ये जो कोड मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी फ़ोन में, सभी ब्रांड के फ़ोन में और सभी कंपनी के सिम में बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कॉल जो है वो फॉरवर्ड तो नहीं है किसी दूसरे नंबर पर। तो इसके लिए आपको एक कोड डायल करना है, *#21#। देख सकते हैं *#21#, और इसे हम डायल करेंगे, कॉल करेंगे। और उसके बाद आपको अपना सिम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जियो सिम सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग में यहाँ पे हमारा वॉइस जो है वो नॉट फॉरवर्डेड यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो कॉल है अभी फ़िलहाल कोई भी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड नहीं है। अगर हमारा कॉल फॉरवर्ड होता तो यहाँ पे नंबर दिखाई देता, जो भी नंबर पर फॉरवर्ड होता वो नंबर यहाँ पर अपने आप ही आ जाता। चलिए ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका ये वाला जो कोड है वो आपके मोबाइल में काम नहीं कर रहा है सही ढंग से, तो एक कोड मैं आपको और बता रहा हूँ। इसके लिए यहाँ पे हम वापस इसे ओपन करेंगे और अब यहाँ पे आपको मैं दूसरा कोड बताने जा रहा हूँ। अगर वो कोड काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे आपको डायल करना है *#62#। ये भी कोड जो है वो चेक करने का कोड ही है, तो इस कोड से भी आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए वापस से कॉल करते हैं, सिम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी मुझे वही मैसेज आ गया है, यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग में यहाँ पे नॉट फॉरवर्डेड आ रहा है। तो फिलहाल तो मेरा कॉल फॉरवर्डिंग नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपका कॉल फॉरवर्डिंग हो रखा है, अगर आपका कॉल फॉरवर्डेड है तो इसे बंद करना भी आपको आना चाहिए और बहुत ही आसान है इसे बंद करना। ओके करते हैं और इसे बंद करने के लिए आपको एक छोटा सा कोड रन करना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसे बंद करने के लिए आपको *# दबाना है, उसके बाद 21, वापिस से हैच, देख सकते हैं *#21#। इसके बाद हम कॉल कर देते हैं, सिम सेलेक्ट करते हैं और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग इरेजर वॉज सक्सेसफुली। यहाँ पे अब हमारा जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो सक्सेसफुली इरेज हो गया है, बंद हो गया है। तो अगर आपका कॉल फॉरवर्डिंग हो रखा है तो आप इस तरीके से बंद कर सकते हैं। तो यही सिंपल सा तरीका है कॉल फॉरवर्डिंग चेक करने का।